बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ दुआ व्लॉग्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो सीन शीन्स कुछ ऐसे हैं कि रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। और अभी आधे रोज़े गुजर चुके हैं लेकिन अब मैं अपनी फ़र्स्ट सैरी का व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी हो गए थे हम सब रोज़ों में, तो इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि मैं कोई भी व्लॉग बना सकती। तो मैंने इतने रमज़ान कुछ भी नहीं किया, तो फाइनली आज इतने दिनों बाद मुझे याद आ चुका है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसको मुझे चलाना पड़ता है और उसको चलाने के लिए मुझे वीडियोस भी अपलोड करनी पड़ती है। तो वही मुझे याद है कि इतने ज़्यादा रमज़ान गुजर गए, मतलब इतने ज़्यादा रोज़े गुजर गए हैं, हाफ रह गए, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी कुछ अपलोड करूँ और इंशाल्लाह बाकी रमज़ान में मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरी फ़र्स्ट सैरी है तो जो मैं आपसे शेयर करने लगा। अभी तो हम उठ गए थे बड़ी मुश्किल से और यहाँ पर मामा जो है वो अब सैरी बना रही है, पराठे वगैरह बना रही है और जो मैं उनकी हेल्प करवा रही हूँ थोड़ी बहुत साथ। बाकी जो है मेरे भाई और पापा वो सब अभी सो रहे हैं तो उन्हें भी जाके उठाऊंगी पहले जब सैरी थोड़ी सी बंद रहे, फिर उन्हें उठाते हैं अंदर जाके। और आप सब के रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो शुक्र सुकून में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ का मौसम अच्छा है, ज़्यादा बुरा नहीं है। अब काफ़ी मतलब चेंज हो रहा है, अब गर्मी स्टार्ट हो रही है आना, तो इसलिए अब थोड़ा बहुत लगता है। लेकिन शुरू के जो 15 रोज़े हैं ना वो माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे गुजरे हैं, अभी के जो हमारे 15। और ये व्लॉग ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2-3 दिन पहले का व्लॉग है। आप सब सहरी में क्या खाते हैं, मीन्स कि क्या क्या सहरी में आप करते हैं? मतलब हम लोग तो ज़्यादातर जो है पराठा, चाय और लस्सी वगैरह होती है, साथ जो रात का जो सालन होता है वो हम बहुत शौक से खाते हैं पराठों के साथ, और कभी कभी जो ब्रेड और ऑमलेट वगैरह स्लाइस। और ये जो एग है ये मेरे पापा बहुत शौक से खाते हैं, वो मतलब ऑमलेट में सिर्फ सॉल्ट वगैरह और चिली जो होती है ना, ग्रीन चिली, ये सिर्फ ऐड करके उसको बस खाते हैं, उसमें वो रेड चिली ऐड नहीं करते। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ये वाला एग भी ज़रूर ट्राई करना, ये ऑमलेट भी बहुत मज़े का बन, मेरे पापा को बहुत पसंद है ये। तो ये भी उन्हीं की सहरी बन रही है, पहले फिर उनको देंगे। अभी हमारी ना इस घर में फ़र्स्ट रमज़ान है, जिस जो जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा कि हमने घर शिफ्ट किया था, मतलब हम इस घर में हमारा फ़र्स्ट रमज़ान है। तो हमें वो अपना पुराना घर बहुत याद आ रहा था। हम लोग जब भी सहरी में उठते हैं हम लोग यही बातें करते रहते हैं कि हाँ हम पहले कितना इन्जॉय करते थे, मतलब 2-3 फैमिलीज होती थी हमारी, हम सब मिलकर सहरी करते थे, सारी सहरी बन रही होती थी और इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा माहौल बना होता था, सब जाग रहे होते थे और बाहर हम जब टेरेस पर खड़े होते थे तो इतने लोग मतलब आ जा रहे होते थे, कोई कोई नमाज पढ़ने जा रहा होता था, कोई दही लेने जा रहा होता था, तो इस तरह ना लोगों का आना जाना काफ़ी लगा होता था। तो हम ऊपर से टेरेस से देखते थे तो इतना अच्छा लगता था, फील आती थी कि रमज़ान, हाँ बाकी रमज़ान चल रहा है, बट अब ऐसा कुछ नहीं फील होता इस घर में। हम जब से आए हैं हमें ना, या तो सहरी के टाइम हम जब बाहर निकलते तो कुछ देखने के लिए तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकला होता, मतलब सब अंदर ही होते, लाइट्स भी ये होता है ना कि सहरी के टाइम काफ़ी घरों की लाइट्स ऑन होती है, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लाइट्स ऑन होती है पता नहीं क्यों, लेकिन इधर इतनी रमजान वाली फीलिंग्स नहीं आ रही। आ
आजकल हमारी रमज़ान के जो रूटीन है ना, वो कुछ इस तरह बनी हुई है कि मतलब हम जब अफ्तारी करके जब फ्री हो जाते हैं ना, तो हम रात को सोते नहीं हैं, फिर हम एक बार ही सहरी करके सोते हैं, क्योंकि इस तरह फिर कुछ मामा जैसे मामा पापा हैं वो सो जाते हैं, बाकी हम लोग जागते रहते हैं, हमने कहा फिर उठना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए फिर ना हमारी यही कोशिश होती है कि हम सहरी तक जागते रहें, अगर तो तबीयत ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक, फिर हम सो ही जाते हैं। मैं और मेरा भाई हम लोग गेम्स खेलते रहते हैं सहरी तक, फिर उठते हैं, फिर उससे पहले हम तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है हम सहरी करते हैं, उसके बाद जो है माशाल्लाह अपनी नमाज फजर की पढ़ कर फिर लेट जाते हैं, और फिर सुबह उठते हैं आराम से, और सुबह उठ के जो काम वगैरह होते हैं, सफाई वगैरह होती है, वो मिल के करते हैं, और फिर साथ ही हम अफ्तारी की भी तैयारियाँ करने लग जाते हैं। इसका व्लॉग जो अफ्तारी का व्लॉग है, मैं कल इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, और इसी की अफ्तारी है जिसकी सहरी हो रही है ना, इसी की अफ्तारी शेयर करूँगी, और फिर आपको दिखाऊँगी कि उसमें हम क्या क्या बनाते हैं। प्लीज़ जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किएगा। और अभी मेरे काफ़ी व्लॉग्स हैं जो मैंने रमज़ान से पहले किया, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उन्हें अपलोड कर दूँ, अभी एडिट इतने ज़्यादा व्लॉग्स हैं कि वो मुझे एडिट करने के टाइम बहुत पड़ रही है कि मैं उन्हें कैसे करूँगी, तो खैर जब भी टाइम मिलेगा, अभी तो रमज़ान माशाल्लाह चल रहे हैं तो रमज़ान के व्लॉग्स आएंगे, उसके बाद ईद के आएंगे, उसके बाद कहीं जाकर जब मुझे टाइम मिलेगा, नॉर्मल रूटीन आएगी, देन मैं फिर वो वाले व्लॉग्स अपलोड करूँगी जो मेरे रमज़ान से भी पहले के हैं। हाँ मुझे पता है मैं काफ़ी लेट हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिलते हैं कि मैं एडिट कर सकूँ, आप सबको पता ही है कि ये मेरे भाई का मोबाइल होता है जिसे मैं एडिट करती हूँ अपने व्लॉग्स और वीडियोस भी उसी के मोबाइल से बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना टाइम बहुत कम मिलता है कि मैं जैसे जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग भी कर सकूँ और एडिट कर सकती हूँ, तो इसलिए ना मैं लेट हो जाती हूँ हमेशा। एनीवे अभी सारी जो सहरी है वो बन चुकी है, और अभी हम चाय शाय लेकर हम जाते हैं अपने दस्तरखान पर, वहाँ पर सबके साथ मिलके नाश्ता करते हैं, नाश्ता नहीं सॉरी सहरी करते हैं, और चलो चलते हैं। सो यार यहाँ पर सहरी लग चुकी है और हम सभी बैठ चुके हैं, अब सहरी करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पराठे शराठे हैं और ऑमलेट हैं और कल के जो सालन होते हैं वो हैं, और चाय शाय और लस्सी वगैरह आज नहीं है, और दही वगैरह होता है, तो अभी हम अपनी सहरी करते हैं। और गाइस ये हूँ मैं जो सहरी के टाइम लस्सी की बजाय चाय पीती हूँ, और लस्सी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मेरी जो फैफड़ी है वो मुझे, मेरी जो बड़ी आपी है ना वो मुझे मार मार के मतलब गुस्सा कर कर के पिलाती थी रोज़ों में, कि सहरी के टाइम पूरा दिन रोज़ा रखना होता है तो लस्सी पिया करो, इसे प्यास नहीं लगती, इसे ये नहीं लगता, तो लेकिन मुझे, मैंने कभी भी नहीं पी, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती मतलब लस्सी। सो गाइस अब हम जाने लगे हैं बाहर, क्योंकि अंदर बैठे बैठे मैं बोर हो गई थी, और अभी अजानें भी स्टार्ट होने लगी हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर जा कर ज़रा आपको माहौल दिखा दूँ कि क्या हो रहा है बाहर। और यहाँ पर जो है मैं अपने भाई के साथ खड़ी हुई थी, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अजान होने का कि कब अजान हो तो हम सुने, मैंने कहा आपको भी ज़रा सुनाऊँ, यहाँ पर माशाल्लाह इतनी सारी मस्जिदें हैं ना कि उनमें एक साथ जब अजान स्टार्ट होती है तो अकेला अगर इंसान हो ना तो वो डर जाए इतनी, तो मैं जब अकेली थी ना तो मुझे डर भी लग रहा था, तो मैंने इसलिए अपने भाई को बुलाया कि तुम भी मेरे साथ खड़े हो। तो ये मैं आपको दिखाने लगी थी कि हमारी जो रोड देखो यार कितनी सुनसान है, मतलब सारी लाइट्स ऑफ हैं और कोई जाग भी नहीं रहा, मतलब टेरेस पे तो आओ जो भी रोज़े के लिए उठे हैं वो बाहर तो आया करें थोड़ी देर के लिए, पता तो चले किस किस ने रोज़ा रखा है, हम तो ज़रूर जाते हैं बाहर देखने, तो इस टाइम पीछे मस्जिद में अजान भी हो रहा है कि रोज़ा ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी अपनी सहरियाँ कर लो। काफ़ी दिन हो गए ना मैंने आपको अपने ये पौधे नहीं दिखाए, ये मामा के फेवरेट प्लांट्स नहीं दिखाए, तो बीच में हम इस्लामाबाद चले गए थे, उसके बाद तो ये काफ़ी अर्से बाद मैं अब आपको ये व्लॉग्स दिखा रही हूँ जिसमें हमारी ये पौधे भी सलामत है बिल्कुल। डेली मामा मुझे कहते हैं इनमें पानी डाल दो, इनमें पानी डाल दो, लेकिन मैं इतनी मेरी याददाश्त हो चुकी है ना, मुझे याद ही नहीं रहता, अभी मुझे कह के हटेंगे अगर मैं नमाज पढ़ी तो उन्होंने मुझे कहा है, तो मुझे नमाज पढ़ने के बाद याद ही नहीं रहेगा। पीछे जो है अजानें स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी रोज़ा भी ख़त्म हो चुका है, अब हम जाएंगे अंदर नमाज वगैरह पढ़ेंगे, चलो चलते हैं अंदर।
सो अभी हम सब नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो चुके हैं, और अभी आज का ब्लॉग बस इतना ही था। आज का व्लॉग बिल्कुल छुटकु मुटकु सा था, बस सहरी की रूटीन थी, और इसके बाद बाकी की जो वीडियोस हैं वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।